नमस्कार दोस्तों, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 25 सितंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 25 सितंबर 2022 दिन रविवार, आज की तिथि अमावस्या, आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पंच चला कृष्ण पंच। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:15 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 9:11 से सुबह 10:12 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 1:14 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है गुलाबी और हल्का हरा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुप्त लाभ उठाने के लिए सही मनोदशा में अपने आप को पाएंगे। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इसके बारे में बात करें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। अपने साथी के साथ वहां जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष लेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे तो आज का दिन काफी निराशाजनक हो सकता है। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर में आ सकता है जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ कर सकती हैं। आज आप अपने किसी दोस्त की वजह से किसी बड़ी परेशानी में फंसने से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं आज के दिन आप काम को अलग रखकर थोड़ा आराम करें और कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। आर्थिक तौर पर सुधार तय है, लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला ना लें। हो सकता है कि वे किसी दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन घर में होगा। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह दिन शांतर रहेगा। अकेलापन कई बार काफी दिक्कत भरा हो सकता है, खास तौर से उन दिनों में जबकि आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए ना हो। इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। साथ ही साथ आपको बताएं आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलाकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर सकता है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। पुरानी बातों को भूलना भी जरूरी है। घर से बाहर निकलकर देखिए, दुनिया बहुत हसीन है। मस्ती करें और हर पल का लाभ उठाएं। साथ ही आपको बताएं आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले के अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती रहेगी। बच्चों के साथ आप कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। धन लाभ के बड़े अवसर आपको मिलेंगे। किस्मत के सहयोग से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आज का दिन व्यवसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। किसी पुराने सहयोग से मिलने का आपको मौका भी मिलेगा। बातचीत के दौरान कुछ पुरानी यादें तरोताजा होंगी। मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, किस्मत का सहयोग आपको मिलता रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। किसी परेशान व्यक्ति की सहायता कर सकें तो आपके लिए शुभ रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन सामान्य तरीके से चलता रहेगा। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावना की कदर करेंगे। आज के दिन कमीशन पर काम करने वाले लोगों को अच्छी कमाई होने के संकेत हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कोई शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं। किसी घर या फ्लैट का मालिक बनने के संकेत हैं।
आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। काम से जुड़े कायदे कानून और नियमों की जानकारी काम की शुरुआत में आपको लेनी चाहिए, अन्यथा आपको बाद में परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आपको कोई प्रतिद्वंदी सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि खराब करने का प्रयास करने वाला है, सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के समय आज आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह की बात चल रही है तो आज बात पक्की हो सकती है। अपने रिश्तों को दिलचस्प बनाए रखने में सुनिश्चित करें। प्रेम संबंधों में रोमांस लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आज वित्तीय सलाह के बारे में अपने माता पिता से बात करें। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा धन खर्च करना पड़ सकता है। इस राशि के नौकरी कर रहे जातकों का साथ काम करने वाले लोगों से मदद मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, रुपए पैसे संबंधी उधारी काम करना नुकसानदेह रहेगा, यानी आप किसी को अपना पैसा उधार ना दें, वरना बाद में आपको थोड़ा पछताना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों में व्यक्तिगत जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। रिलेशनशिप में महसूस होने वाले उतार चढ़ाव जल्दी दूर होंगे। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और मधुमेह संबंधी दिक्कत है, वे लोग लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपनी जांच अवश्य कराएं। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होंगे। कोई भी कारोबार संबंधी पेपर वर्क करते समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि व्यवसायिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे, सहयोगियों और कर्मचारियों को आपका पूरा सहयोग रहेगा। ऑफिस में किसी सहयोगी से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आप उनसे जो भी बात कहें वह बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से कहें। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपके प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग अब तक सिंगल या अकेले हैं, उनके प्रेम जीवन में कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है। अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे के प्रेम को समझने का दिन है। साथ ही परिवार जनों का सहयोग आपके आत्मबल और विश्वास को बनाकर रखेगा और आपका तनाव मुक्त होकर और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा और आपका जीवन साथी आपकी प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण सहयोग देगा। साथ ही साथ माता पिता व घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, घर परिवार में आज शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई व सेहत पर आप ध्यान देते रहें और किसी पुराने मित्र से मिलने से आपको बहुत खुशी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज अधिक थकान की वजह से आपको सिर दर्द या बदन दर्द भी रह सकता है। साथ ही साथ मौसम के कारण आपको खांसी जुकाम व हल्का गर्म शरीर भी देखने को मिले। तो दोस्तों आप आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन